कोरोना के दूसरी डोज लिए बिना नहीं मिलेगा वेतन। बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता की हर दिन देनी होगी जानकारी हाईकोर्ट। नीतीश के ट्वीट को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया रिट्वीट। एक देश एक वैक्सीन तीन दाम, यह है देश की हालात। नीतीश बोले, बिहार में 18 वर्ष के से अधिक सभी लोगों को मिलेगा वैक्सीन। बिहार में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 12,222 नए कोरोना मरीज। डीएम अस्पतालों में करेंगे डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति। ऑनलाइन होगी वाणिज्य कर की अपीलीय कोर्ट की सुनवाई। इधर पहली डोज लेने के बाद भी 21,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। खरीफ में भी मौसम के अनुरूप खेती पर होगा जोर। 40% कम लगेगा पानी व 30% तक अधिक मिलेगी उपज। 40 के जगह अब 190 गांवों में लागू होगी योजना। कम बारिश या प्रतिकूल मौसम के अनुरूप है यह कवायदत। 12 पंचायतों को पीएम 24 तारीख को देंगे प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि देकर करेंगे सम्मानित। भूमिहीनों को भूमि प्रमाण पत्र देने के लिए बिहार में चल रहा है सर्वे। और कोरोना मरीज के लिए निशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था करे सरकार। मोदी बोले, 18 के पार सभी लोगों को मुफ्त में टीका व्यवस्था करे सरकार। लेट है, व्यवस्था तो हो चुकी है, नीतीश जी बोल दिए हैं। कोरोना ने बदली पुलिस की प्राथमिकताएं। पुलिसिंग के साथ अब खुद को संक्रमण से बचाने का भी टास्क। पुलिसकर्मियों के सामने चुनौती है यह कि खुद से बचा, खुद को बचाते हुए अपना काम करना है, कोरोना से खुद को बचाना है। और स्टेशनों पर कोरोना जांच में लापरवाही। टीटीई ने कहा कि ट्रेन से कोई उतरा नहीं, जांच टीम बैठे बैठे बोर हो रहे हैं और दो नंबर गेट से निकल गए यात्री। देश में स्वच्छ ऊर्जा स्रोत से बन रही एक तिहाई से ज्यादा बिजली। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार, आप देख रहे हैं अंक में। इस एपिसोड में हम खबर लेते हैं अखबारी दुनिया से, क्या कहते हैं अखबारों के मजमून, क्या छपा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, क्या है उसके मायने। हम खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसा लगे कि किसी दूसरे को भी जानना चाहिए तो आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम नजर डालते हैं कि आज की जो प्रमुख खबरें हैं, अब तक की जो प्रमुख खबरें हैं उस पर नजर डालते हैं। तो पहली जो खबर आ रही है गया जिले से। गया जिले के डीएम ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने लेटर में लिखा है कि फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर को दोनों जो डोज होता है कोरोना वैक्सीनेशन का, दोनों डोज लेने का प्रमाण देना होगा, तभी उन्हें मार्च का वेतन मिलेगा। आपको बता दें कि ट्रेजरी में वेतन के पैसे आ चुके हैं, लेकिन डीएम के इस आदेश के कारण कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे जो कर्मी सकते में है। और दूसरी खबर है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पटना में चाहे अन्य जगह पर राज्य के अन्य अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की घोर कमी है। तो इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है कि हम लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते हैं। राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता की हर दिन जारी करना होगा रिपोर्ट। आप हर दिन मुझे रिपोर्ट कीजिए कि आपके पास कितने बेड खाली हैं और कितने ऑक्सीजन आपके पास है। एक और खबर जो चर्चा में है कि नीतीश कुमार के ट्वीट को क्षमा करेंगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रीट्वीट किया है। नीतीश कुमार ने ट्वीट किया था कि 18 वर्ष से सभी ऊपर के लोगों को बिहार में मुफ्त टीकाकरण होगा, तो उस पर तेजस्वी यादव ने उसे रीट्वीट करते हुए किया है और लिखा भी है
कि महाशय मुख्यमंत्री जी अभी 4% लोगों को ही टीकाकरण हुआ है, तो 18 वर्ष से अधिक लोगों को कैसे अब कितने समय में टीकाकरण कर पाइएगा। हालांकि जदयू ने उन्हें धन्यवाद दिया है, तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को भी। और अभी ये जो चर्चा में हम बात करते हैं कि देश में केंद्र में जो वैक्सीन है, वैक्सीन की जो कीमतों के लेकर जो चर्चा चल रही है, तो जो कोविशील्ड वैक्सीन जो है, कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट, वह केंद्र को 150 रुपये में वैक्सीन दे रही है तो राज्यों को 400 रुपये में और निजी अस्पतालों को 600 रुपया ले गई। ये थोड़ा सा गजब है। एक दूसरी का एक हेडिंग बना है, एक देश एक वैक्सीन 3 दाम। तो अगर इनका यह रेट रहा तो निजी अस्पतालों में एक डोज की कीमत 700 रुपया हो जाएगी, जिससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और आप अपनी राय दीजिएगा कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह खबर जो हम वीडियो देते हैं, खबर की शक्ल में नहीं देते हैं, हम आपसे बातचीत करते हैं जिसमें आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप अपनी राय भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा तो मुझे लगेगा कि आप सक्रिय हैं। और बिहार की अन्य खबरों पर नजर अगर डालें तो डीएम अस्पतालों में प्रतियुक्त करेंगे डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति। जैसा कि आप पता है, कोविड के कारण बहुत सारे डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं, क्या डर से कोई बहानेबाजी भी चल रही है? तो डीएम साहब इसका कमान संभाल लिए हैं और डीएम ही उनकी ड्यूटी लगाएंगे। देश में अभी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जो मारामारी चल रही है इस दवा की, तो डॉक्टरों ने कहा है कि 85% लोगों को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैनिक नहीं हो और ठीक हो जाएंगे। उन्हें रेमडेसिविर, एस्टेरॉयड या अन्य किसी विशेष दवा की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गुलरिया नारायणा हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर डेविस सेट्टी और मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कोरोना पर चर्चा करते हुए यह बातें कही। ऑनलाइन होगी वाणिज्य कर की अपीलीय कोर्ट में सुनवाई। जो वाणिज्य कर के जो केसेस चल रहे हैं वो सब जो भी सुनवाई होगी ऑनलाइन होगी। कोरोना के कारण किसी तरह का कोई अदालत नहीं लगने वाला है। अगर हम बात करें अंदर की पन्नों पे तो ज्यादातर खबरें कोरोना से ही हैं, लेकिन एक कृषि से खबर है कि खरीफ के मौसम में जो खेती के लिए जो बताया जा रहा है टेक्नोलॉजी, इस हिसाब से है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय से 4 संस्थानों कर रहे हैं मदद। मौसम के हिसाब से खेती योजना आगामी खरीफ 2021-22 में भी लागू होगी। इसमें तकनीक को बेहतर रिजल्ट देखकर 8 जिलों के 40 गांवों से बढ़ाकर 190 गांव में कर दिया गया है। नई तकनीक से खेती करवाई जाएगी। और इधर जो खबर पंचायत चुनाव से लेकर के है कि 12 पंचायत चुनाव से माफ कीजिएगा पंचायती राज व्यवस्था से लेकर है कि 12 बिहार के 12 पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। और 24 तारीख को पंचायती राज दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री उन्हें प्रशस्ति पत्र और नगद राशि देंगे, ऑनलाइन उन्हें सम्मानित करेंगे। और कोरोना जो हर जगह तबाही कर रहे हैं, तो पुलिसिंग में भी थोड़ी बदलाव लाई गई है। पुलिस को यह सबसे बड़ी ड्यूटी दी गई है कि पहले अपने आप बचे, उसके बाद अपना काम करें और खुद से संक्रमण से बचने के लिए आप सावधानी जो है मास्क पहनने की हिदायत दिया गया है और हाथ को सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए ही पहले सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद अपराधी को पकड़ने की बात बताई जा रही है। बहुत अजब परिस्थिति है, अपराधी को ही अब सैनिटाइज करके पकड़ा जाएगा। और पंचायत चुनाव से जो खबर है जो कल से तैर रही थी कि अब पहले तो ईवीएम के कारण चुनाव टल रहा था, अब कोरोना के कारण टल गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 15 दिन बाद फैसला लिया जाए कि चुनाव कब कराया जाए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पोटी के पास लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार वैशाली से बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। जैसे बिहार में जो कानून व्यवस्था की बात हो रही थी, लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार जो है सो उसको बरामद कर लिया गया है। और इधर हम और खबरों पर नजर डाले तो तालाब में मिट्टी खोद कर लाने गए 2 भाई बहन को डूबने से मौत। मटुकनाथ लूट के बाद जेवर के मालिक को 4 मई को सौंपे जाएंगे। जो मुथुटनाथ जो मुजफ्फरपुर में लूट कांड हुई थी, उनके जेवर बरामद हो गए थे, उनको अब इंतजार करना पड़ेगा। अब 4 मई को उनको जेवर दिया जाएगा।
और एक जो खबर है खास, मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, बहू के खुदकुशी करने पर सास ससुर को इस आधार पर नहीं छोड़ सकते हैं कि वे बेटे बहू के साथ नहीं रहते हैं। कोर्ट, ऐसा नहीं है कि आपकी बहू खुदकुशी कर ली, अब आप साथ नहीं रहते हैं तो आप बरी नहीं हो पाइएगा, उसमें आपको भी आरोपी बनाया जाएगा, ऐसा कोर्ट का मानना है। और इधर तो खबरें जो है काफी हद तक हम लोगों ने सभी खबरों पर नजर डाल लिया है। तो दोस्तों, यह थी अखबारों में छपी आज की प्रमुख खबरें। और सबसे बड़ी बात है कि हम खबरों पे अगर चर्चा करते हैं तो पंचायत चुनाव की जो खबर है, वो पंचायत चुनाव ऐसा निराश नहीं होना है, पंचायत चुनाव होने चाहिए। लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव और अन्य चुनाव में कोरोना नहीं फैलता है, पंचायत चुनाव में क्या ऐसी आ गई है बात कि पंचायत चुनाव होने पर कोरोना ज्यादा फैल जाएगा। और दूसरी बात है कि पुरस्कृत जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, एक तरफ उनको जो चयनित अच्छे काम करने वाले प्रतिनिधियों को सम्मानित करने की बात की जा रही है, दूसरे तरफ उन्हें उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी जो मौलिक अधिकार हैं, चाहे जो लोकतंत्र में जो अधिकार मिलता है उसे छीनने का काम किया जाए। क्योंकि अगर समय पर चुनाव नहीं हो पाए तो एडमिनिस्ट्रेशन की बहाली होगी। अभी हाल में जो मास्क का वितरण का जो सरकार की जो योजना है अभी, उसमें भी अब उसमें मुखिया को और अन्य प्रतिनिधियों को अलग कर दिया गया है, उनसे वो अलग करेंगे, अधिकारी ही अब बांटेंगे मास्क। तो यह थी बिहार की प्रमुख खबरें। और दोस्तों, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं जल्द ही एक रोजगार और शिक्षा से जुड़ी एक नया वेबसाइट लेके चलूंगा, और बने रहिएगा मेरे चैनल से। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।